सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंच गए हैं। दीप प्रज्वलित कर नितिन गडकरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज 9400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विधानसभा मैदान से श्री गडकरी ने ऐलान किया कि झारखंड में 2,00,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगी। झारखंड की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हो जाएंगी। झारखंड में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प हमने किया था कि इस देश के विकास के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। बहुत बार मुझे रांची आने का मौका मिला। मेरे लिए आज का दिन इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि हर बार आते हुए मुझे एक सवाल पूछा जाता था, वो रांची से जमशेदपुर वाले रोड का क्या होगा, पर आज कोई पूछ नहीं रहा है क्योंकि वो काम पूरा हुआ है। बहुत अड़चने आई, बहुत समस्या आई, तो आज हेलीकॉप्टर से मुझे वो रोड को भी देखने का मौका मिला। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी जो कुछ भूमि पूजन हुआ है, जो शिलान्यास हुआ है, जो विमोचन हुआ है, वो तो केवल ट्रेलर है। जो सही फिल्म है वो अभी शुरू होना बाकी है। मैं आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले झारखंड में 2,00,000 करोड़ रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाकर दिखाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।